बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। आज हम यूनिट 4 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब हम ज़िंदगी की पहली मंजिल के बाद दूसरे सफ़र पे रवाना होंगे तो हमारे से पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है। अगर इसका जवाब नहीं आएगा तो पूछा जाएगा तुम्हारा नबी कौन है, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से होनी चाहिए। और फिर तीसरा सवाल किया जाएगा तुम्हारा दीन क्या है। इन तीनों सवालों के जवाब के लिए हमें कुरान मजीद की तरफ रजू करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए बहुत सी निशानियां रखी हैं, लेकिन वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं, हम अरबी में तलावत तो करते हैं इंशाल्लाह उसका सवाब भी मिलेगा, लेकिन हमें कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उसे फिर अमल में लेके आना चाहिए, ताकि हमारा अगला हमेशा का सफ़र जो है वो कामयाब हो। तो अपने क्वेश्चन आंसर के तरफ आते हैं। जो आपको राइट क्वेश्चन नज़र आता है उसके गिर्द आपने एक दायरा लगाना है। पहला क्वेश्चन है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस टॉर्क कपल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दो एक जैसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो एक डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी। हम पहले देख चुके हैं कि कपल्स जो हैं उसमें टू इक्वल फोर्सेस विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉट थ्रू द सेम पॉइंट। तो हम यहाँ पे कपल को एंड सर्कल करेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडिड बाय हेड टू टेल रूल आर, वो कौन कितनी फोर्सेस हैं नंबर जो के हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, दो तीन या चार। ये एनी नंबर ऑफ फोर्सेस मोर देन टू हम इस रूल के तहत ऐड कर सकते हैं, तो हम एनी नंबर को एन सर्कल करेंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 1, 2, 3, 4। एक फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स के कितने होते हैं, शाबाश, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अमूदी 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 के गिर्द सर्कल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन और 8.7 न्यूटन। हम इसको राइट एंगल थ्योरम जो है उसका फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, हमारे पास कॉस थीटा जो है उसकी 30 है, और हम जो टेबल हमने डिराइव किया था उससे हम 30 कॉस थीटा जो है वो 0.87 के बराबर है, और हमारे पास फोर्स 10 है, तो 10 को जब हम 0.87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8.7 न्यूटन आ जाएगा। तो हम इसमें जो लास्ट ऑप्शन है 8.7 न्यूटन उसको एनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a couple is formed by 2 forces perpendicular to each other, 2 like parallel forces, 2 equal and opposite forces in the same line, 2 equal and opposite forces not in the same line। तो हमने देखा था कि कपल जो है, जोड़ा जो है, वो कैसे बनता है। 2 equal forces दो मुमासिल कुवतें जो मुखालिफ सिमत में होती हैं और not through the same point। तो उसके हिसाब से जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन बनती है, यानी 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन, हम इस ऑप्शन को एनसर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। हमने पहले देखा था कि अ बॉडी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी स्पीड होती है, तो इसमें स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उसमें आइदर देर इज चेंज ऑफ वेलोसिटी और देर इज चेंज ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबाउट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम,
A body is in the neutral equilibrium when its center of gravity at its highest position after disturbance is at lowest position, keeps the height if displaced is situated at its bottom. तो हमने देखा था कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नाइदर लोड नॉट रेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टॉपल्ड दे रोल फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि जब हिलाया जाता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं होता, जैसा वो पहले था वैसे ही बाद में रहता है. तो हम कीप्स द हाइट इफ डिसप्लेस्ड, हम जैसे बॉल है, कोन है या एक रोलर को देखते हैं तो हम इसको अनसर्कल करेंगे. नेक्स्ट है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर मास, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग देयर विड्थ, यानी आप उनकी स्पीड ज़्यादा करेंगे, मास डिक्रीज करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करेंगे या उनकी चौड़ाई को कम करेंगे. तो हमने पहले देखा था कि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉज स्टेबिलिटी टू द रेसिंग कार्स. लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिन चीज़ों का होता है वो स्टेबल होती हैं, तो हम इसमें लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चौड़ी ज़्यादा होती हैं, नीची होती हैं ताकि मुड़ते हुए ये उल्ट ना जाए. तो उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.